हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑल चैनल टेज ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आ गया हूँ आपके हाफ वाली एग्जाम के इंग्लिश के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हाफ वाली एग्जाम आपकी इंग्लिश क्लास 11th का पेपर है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये एक पैसेज था, चलिए मैं आपको डायरेक्टली इस पैसेज के राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि ये जो पैसेज दिया गया था इसके जो क्वेश्चन थे उनके करेक्ट आंसर्स कौन से थे। तो आप इसको मैच करते जाइएगा। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन। तो नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल किस में मिला था? तो इसका मिला था जैवलिन में, ठीक है, जैवलिन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला, ठीक है। नीरज चोपड़ा को जो गोल्ड मेडल मिला है वो जैवलिन में मिला है। क्वेश्चन आपका सेकंड है, हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स फॉर इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, अभिनव बिंद्रा। जी हाँ, इंडिया के लिए फर्स्ट जो गोल्ड मेडल जीता था वो अभिनव बिंद्रा ने ही जीता था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका थर्ड है, नीरज चोपड़ा वॉज कॉल्ड इन हिज विलेज। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, हेडमैन। नीरज चोपड़ा को अपने गाँव में हेडमैन के नाम से भी पुकारा जाता है, उनको हेडमैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका फोर है, नीरज वो हिज गोल्ड मेडल इन। तो कौन से ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है? टोक्यो ओलंपिक्स में जीता है बच्चों। कौन से? टोक्यो ओलंपिक्स में जीता हुआ है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका फोर्थ का राइट आंसर होगा इसका बी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन आपके फिफ्थ की तरफ, विच ऑफ दीज इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव पैसेज। ये तो पूरा पैसेज है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हम नीचे आएंगे, तो ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका फोर्थ नंबर डी वाला ऑप्शन है, नीरज हैज एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर। तो ये इसका राइट आंसर है, डी वाला राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, नीरज हैज बीन गिवन कौन सा अवार्ड? नीरज चोपड़ा को मिला गया है द्रोणाचार्य अवार्ड, एकलव्य अवार्ड या अर्जुन अवार्ड? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन अवार्ड, ठीक है। अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन आपका सिक्स का राइट आंसर होगा सी, ठीक है। इसके बाद ड्रेक करते हुए हम नीचे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीरज हैज आल्सो वन गोल्ड मेडल्स इन। नीरज को गोल्ड मेडल और किस चीज़ में मिला है? जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिला है बच्चों। कहाँ पर मिला है? जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये इसका राइट आंसर है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन मीनिंग कंसिस्ट टेंट। तो कंसिस्टेंट का आपको मीनिंग बता देना है, तो इसका होगा सेम। जी हाँ, जिसका एक जैसा होता है, समान होता है, कंसिस्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेम, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर्स पर्पज इन राइटिंग द पैसेज इज। अब पैसेज, तो ऑथर का पर्पज क्या है इस पैसेज को राइट करने का? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी, इनको आप रीड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका जो नाइन है, तो 8400400400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8400400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा, मैं जाऊंगा डी की तरफ, टू नरेट जर्नी ऑफ अ विलेज बॉय टू ओलंपिक्स। तो एक गांव के लड़के की जो जर्नी थी ओलंपिक्स के लिए कि वो ओलंपिक्स तक पहुंचा, कैसे उसने छोटी जगह से जर्नी स्टार्ट की और ओलंपिक्स तक पहुंचकर गोल्ड मेडल इंडिया के लिए, कंट्री के लिए जीता, ठीक है। ये इसका डी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका 10 है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम्स। इंक्लूड का एंटोनिम्स बताना है, तो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब निकालना। तो इंक्लूड का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी वाला, अपोजिट पूछा था, एंटोनिम्स पूछा था, तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये पैसेज था, पैसेज के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए जो सभी करेक्ट थे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे एक नोट्स बनाने के लिए पूछा गया है, तो ये नोट्स तो आपने बना दिए होंगे। हम ड्रैग करते हुए चलते हैं, आपका यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था सेक्शन बी का राइट आंसर, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट बनाना था आपको फॉर सेल वाला, तो ये आपने कर दिया होगा, ठीक है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन आई थी लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर की कंप्लेंट करना है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, समर वेकेशन का लेटर आया था इसके और में, और हम आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर, देखिए ग्रामर के पोर्शन पे सी। तो मैं ग्रामर को आपको एक्सप्लेन कर रहता हूँ, क्योंकि ग्रामर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ग्रामर के राइट आंसर कौन से थे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आपका ए है, ही इज MBA, इसका राइट आंसर होगा एन, ठीक है। MBA जो कि आपको वाउल साउंड दे रहा है, ए का साउंड आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एन, ही इज एन MBA।
ब्लैंक स्पेस आई कम इन सर केन मे माइट, तो परमिशन ली जा रही है, मे का यूज किया जाएगा, परमिशन लेने के लिए मे का यूज किया जाता है। मे आई कम इन सर, जो आप अपने स्कूल में अपने टीचर से परमिशन लेने के लिए सेंटेंस यूज करते हैं। सी वाला, हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, एनी मच सम, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों एनी, ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनी। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी, क्या आपको मेरे खिलाफ कोई शिकायत है। डी वाला, यू कैन राइट ब्लैंक अ पेंसिल बाय विथ इन, तो इसका राइट आंसर होगा विथ, बाय नहीं होगा विथ होगा विथ। यू कैन राइट विथ अ पेंसिल, आप एक पेंसिल से लिख सकते हो, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग से कोई काम आप कर रहे हो किसी चीज को होल्ड करके, तो वहां पे विथ का यूज करते हैं, बाय का नहीं, ठीक है, तो राइट आंसर इसका विथ है। ई वाला, आई वेटेड फॉर हिम ब्लैंक द क्लॉक स्टक 7, तो इसका राइट आंसर होगा अंटिल, ठीक है, अंटिल मतलब कि मैंने उसका 7 बजे तक इंतजार किया, जब तक कि घड़ी ने 7 ना बजा दी तब तक मैंने उसका वेट किया, तो अंटिल आएगा। फिफ्थ एफ वाला है, दिस इज द मैन ब्लैंक नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, तो इसका राइट आंसर होगा हुज, दिस इज द मैन, ये वो इंसान है जिसका नेम ब्लैक बोर्ड पर, जिसका सॉरी ब्लैक नहीं, जिसका नेम बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा हुज नेम, मतलब जिसका नाम, दिस इज द मैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, तो इसका राइट आंसर होगा हुज, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हम डूएस डायरेक्टेड पे, तो देखिए आपके जो डूएस डायरेक्टेड है इनमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ही डिड इट, तो इसका राइट आंसर होगा ही डिड नॉट डू इट, जी हाँ इसको आप नोट कर लीजिएगा, ही डिड नॉट डू इट राइट आंसर इसका होगा, पास्ट इंडेफिनेट का इसलिए डिड नॉट डू इट आएगा। बी वाला, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वॉइस चेंज करना है तो फुटबॉल इज बींग प्लेड बाय देम, ये आप नोट कर लीजिएगा, आप नोटबुक में नोट करते जाइएगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल का पैसिव होगा, फुटबॉल इज बींग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट है इफ रवि रन्स फास्ट नाउ ही विल कैच द बस, अनलेस का यूज करना है तो आएगा अनलेस रवि रन्स फास्ट नाउ ही विल नॉट कैच द बस, इसका राइट आंसर होगा इफ, हटाकर आपको अनलेस लगा देना है, अनलेस रवि रन्स फास्ट और बाद वाले को आपको नेगेटिव कर देना है नाउ के बाद, ही विल नॉट कैच द बस, मतलब पहला ये था कि इफ रवि रन्स फास्ट, यदि अभी रवि तेज दौड़ता है तो वो बस कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, अनलेस से बनेगा तो अनलेस रवि रन्स फास्ट नाउ, अगर अभी रवि तेज नहीं दौड़ता है ही विल नॉट कैच द बस, वे बस को कैच नहीं कर पाएगा, बस नहीं पकड़ पाएगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डी वाला, शी हिड द कीज, उसने चाबियां छुपाई, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो शी हैज हिडन द कीज आ जाएगा, हैज लग जाएगा और हाइड हिड हिडन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट पे हिज फीस, सो दैट का यूज करना है तो वेरी के प्लेस पर आप सो लगा दीजिए, ही इज सो पुअर और दोनों सेंटेंस के बीच में लगा दीजिए दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ये हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, राउंड सन करेक्ट सेंटेंस करना है तो अर्थ के पहले आप लगा दीजिए द और सन के पहले भी लगा दीजिए द, क्योंकि अर्थ और सन के पहले द लगेगा, ठीक है। आर्टिकल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको डिटेल में ग्रामर एक्सप्लेन करा दी है, इसके बाद आपका जो सेक्शन डी था लिटरेचर का, तो ये आपसे इजिली बन गए होंगे, ये आपका एक्सटेट आया हुआ था, यहाँ पर आप व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर वुदाओ दी जिंगजोंग सेयर, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो इजिली आपसे बन गए होंगे, तो यहाँ पर ये आप देखिए इसका ये फर्स्ट का आंसर आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कर दिया होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं और कौन से क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन थे सारे आपने कर लिए होंगे, सब कुछ बन गए होंगे, इंपॉर्टेंट आपको जो बताना था वो आपका पेसेज था और आपका ग्रामर का पोर्शन था जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आई होप ये क्वेश्चन की जो आंसर्स मैंने बताए उससे आप सेटिस्फाइड हुए होंगे, और वीडियो आपको पसंद नहीं होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।